आ गए हैं विक्रम सिंह। विक्रम सिंह कुछ नेटवर्क इशू था, दोबारा बता दीजिए पूरी बात क्योंकि आपकी बात चली गई थी। क्या सर? मैंने कहा आपकी आवाज चली गई थी तो दोबारा बता दीजिए आपका। सर आज 6:30 बजे महानिदेशक महोदया से मुलाकात हुई और मुलाकात में मैडम ने यही कहा कि आप लोगों के हमने जो समय लिया था प्रमुख सचिव सर से और मैडम से वार्ता के लिए, तो हमने आप लोगों की सारी मांगों को प्रमुख सचिव सर के पास और मैडम के पास मजबूती से रख दिया है। आपने आप लोगों की पीड़ा को भी मैडम से हमने जिक्र कर दिया है। अब प्रमुख सचिव सर जैसा आदेश करेंगे, निर्देश करेंगे, जिन भी या जो भी आपकी समस्या पे कहेंगे प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए, हम लोग उस पर प्रस्ताव बनाकर प्रमुख सचिव सर को भेज देंगे। अब प्रमुख सचिव सर निर्णय लेंगे कि कब और किस मैटर पे प्रस्ताव बनाना है। ऐसा मैडम ने कहा कि जो मेरा काम था हमने मजबूती से आपका पक्ष वहां रख दिया है। हालांकि मैडम ने यह भी कहा कि सर भी बहुत पॉजिटिव हैं आपके मैटर पे और मैडम भी पॉजिटिव है, आप लोगों भी थोड़ा शासन स्तर पे प्रयास कर लीजिए, पैरवी कर लीजिए और वहाँ भी अनुनय विनय कर लीजिए जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो। हमारे स्तर से जो होना था वो मैंने आप लोगों के बिहाफ पे कर दिया है, ऐसा मैडम ने हम लोगों को बताया। मैंने मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अनुदेशकों की ओर से उनका शुक्रगुजार हूँ कि मैडम ने हम लोग की पक्ष को मजबूती से रखा है। मैं प्रयास करूंगा फिर से मैडम सचिव मैडम से भी मिलने का, हालांकि सचिव मैडम साहब छुट्टी पे है जैसा मैडम ने बताया है महानिदेशक महोदया ने, लेकिन मैं फिर प्रयास सचिव मैडम से भी मिलने का और प्रमुख सचिव सर से भी मिलने का मैं प्रयास करूंगा। किस प्रकार से हमारी मुलाकात हो इस पे मेहनत करेंगे और वहाँ भी हम प्रयास करेंगे पैरवी करने का जिससे कि हमारे जो 11 सूत्री मांग पत्र है उस पे जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो सके। हम अनुदेशक साथियों से यही बताना चाहेंगे सर। अब मैं वापस गोरखपुर जा रहा हूँ, शनिवार को घर से निकलता।